गाइज, वेलकम टू माई YouTube चैनल। तो आज की वीडियो में करने वाली हूँ नॉर्मल सिंपल मेकअप ट्यूटोरियल, जो कि आप अपने घर में कर सकते हैं। लाइक आपको वीडियो बनानी है तो सिंपल सा मेकअप कैसे करें उसके लिए, और आपको जो खुद को भी हैवी ना लगे, देखने वालों को भी हैवी ना लगे, या फिर आप अपने फ्रेंड्स से मिल रहे हैं या फिर आपके फ्रेंड्स घर आने वाले हैं, तो सिंपल सा मेकअप बहुत ही थोड़े से प्रोडक्ट में, बहुत ही थोड़े से टाइम में आप कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अभी मैंने फेस पर सिर्फ अपने ऑयली क्रीम लगाई क्योंकि मेरी स्किन जो है ड्राई है। अगर आपका फेस, आपकी स्किन ड्राई है तो आप भी ऑयली क्रीम लगा सकते हैं, और अगर ड्राई नहीं है तो आप डायरेक्ट मेकअप शुरू कर सकते हैं। तो मुझे तो ऑयली क्रीम लगाने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जो जरूरत है, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा वो फाउंडेशन स्टिक। ये ब्लू हेवन के, आप चाहे तो किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं वो। तो सबसे पहले ये स्टिक कुछ इस तरीके की होगी, लिपस्टिक की तरह लगेगी देखने में कुछ लोगों को, लड़कों को तो ये लिपस्टिक लगेगी, बट ये फाउंडेशन है। तो आप इसको हेल्प लेकर भी आप इसको मर्ज कर सकते हैं, या फिर ऐसा कोई ब्रश लेकर भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये लूज पाउडर, तो ये भी ब्लू हेवन का है। तो इसका जो शेड है वो नेचुरल लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो आप देख सकते हैं उसके अंदर अगर शेड आए तो आप देख सकते हैं ये नेचुरल है। तो इसके अंदर एक ऐसा ये स्पंज टाइप का भी मिलता है, बट इसका नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये, जो कि मेरा फेवरेट है, और ये है आईब्रो पेंसिल। लाइक आईब्रो पेंसिल भी बोल सकते हैं, या फिर आप आईब्रो, इसके अंदर डुअल है, लाइक आईब्रो पेंसिल भी है और आईब्रो कॉम भी है। तो ये दोनों ही, और ये मेरा फेवरेट है इसमें, जो कि जितने मेरे पास प्रोडक्ट है ब्लू हेवन के, उसमें से सबसे फेवरेट ये वाला है। क्योंकि यू नो, सबसे पहले आईब्रो की शेप सबसे ज़्यादा मेन होती है मुझे लगता है। अगर आपकी आईब्रो अच्छी होगी ना, सिर्फ आईब्रो बन जाएगी अच्छे से, तो आपका पूरा मेकअप का जो लुक है, आपका फेस का लुक बहुत अच्छा आएगा। अगर आप ब्लशर है जिसका नाम है शिमर मैट, तो हम ये यूज़ करते हैं। आप चाहे तो इसको ब्रश से यूज़ कर सकते हैं, मैं इसे हाथ से यूज़ करूँगी। ये कुछ इस तरीके का है, पर्पल कलर है, आपको लग रहा होगा कि ये डार्क है, मतलब लाइक डार्क कलर है दिखने में, बट ये बहुत ही लाइटली लगता है। जब तक आप इसे बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे तब तक ये आपके लाइक यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लगेगा। तो आप इसको चाहे तो ब्रश से लगा सकते हैं, मैं हाथ से लगा लेती हूँ। ये देखिए, अगर आप हाथ में इतना मेहनत करने के बाद भी मेरे हाथ में इतना ही आया है ना, तो ये इतना ज़्यादा है। आप देख पा रहे हैं हल्का हल्का सा हो गया ये ब्रश, तो बहुत ज़्यादा ये लग रहा है देखने में डार्क, बट ये डार्क नहीं है बिल्कुल भी। और अभी मैंने लिपस्टिक भी लगा लिया, और तो मैं अभी अपना मेकअप वेकअप करके तैयार हूँ। तो ये मेकअप लाइट सा मेकअप है, तो आप अपने घर में कर सकते हैं, कहीं पे भी थोड़ा सा, मतलब लाइक आप
फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं नॉर्मल मिलने के लिए, आप उसमें कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ वीडियो बनानी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो आप उसके लिए कर सकते हैं। इसमें क्या आपका, एक तो आपको खुद भी हैवी नहीं लगेगा, प्लस आपका टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि कई बार आप मेकअप में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट मुझे लगता है इस मेकअप में जो मैंने किया है, जो मैंने आपको दिखाया है, इसमें मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, 10 से 15 मिनट, 15 मिनट भी नहीं, 10 मिनट मतलब मुश्किल से लगेगा। और ये बहुत ही जेन्युइन सा दिखेगा, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा, कोई आपको यही बोलेगा कि लाइक इतना स्पेंड मेकअप कर रखा है। तो इसके अंदर थोड़े से प्रोडक्ट लगते हैं जो मैंने आपको बताया। ब्रांड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि हाँ भाई ये वाला ब्रांड मुझे अच्छा लगता है, मुझे सूट करता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं। लेकिन जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ करे, मैं उनका भी लिंक डाल दूँगी, अगर आपको चाहिए कि आप अपने से यूज़ करना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं वो, तो आप वो भी लिख सकते हैं। मैं अपने सारे प्रोडक्ट की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस।